Students, here it is a presentation on the very basic and introductory part of cell. We have studied this part cell, and we are studying from very basic level. And since lower classes, we are aware of this terminology. Cell, the fundamental unit of life. Today we are going to cover the introductory part about cell, why it is known as a fundamental unit of life, then what is a cell actually, and what is the cell theory. In this introductory part, I will explain you the very basic concepts, and then we will move in further videos. We are going to move in the detailed study of cell. सो इंट्रोडक्टरी पार्ट इज दैट, पहले मैं ये बताना चाहती हूँ कि लाइफ क्या है. व्हाट इज लाइफ? लाइफ क्या है? लाइफ इन आवर ऑन आवर प्लैनेट अर्थ, यू विल सी वैरिड थिंग्स, एंड दिस स्फीयर इज फुल ऑफ डाइवर्सिटीज. बहुत तरह की चीज़ें, बहुत तरह की ऑर्गेनिजम्स आपको नजर आएंगे, फ्रॉम वेरी वेरी माइन्यूट, बहुत सूक्ष्म से, बहुत माइन्यूट, जिसको आप माइक्रोस्कोपिक कहते हैं, जो आप माइक्रोस्कोप में देख सकते हैं, वहाँ से लेके आप मेगास्कोपिक, जो आप अपनी नेकेड आइज से देखते हैं, इस रेंज के ऑर्गेनिजम्स इस प्लैनेट पे रहते हैं. और वैरायटी है, डाइवर्सिटी है. लैंड से स्काई तक में भी आप देखेंगे कि वैरायटी दिखेगी, छोटे से बड़े ऑर्गेनिजम्स नज़र आएंगे. ऑन द अदर हैंड, आप सी में भी, स्काई से सी में भी आप देखेंगे कि डीप इन द ओशन ऑल्सो यू विल फाइंड ऑर्गेनिजम्स, एंड दीज ऑर्गेनिजम्स आर डाइवर्सिफाइड. ओके, सो व्हाट इज लाइफ? लाइफ इज अ फिजिको केमिकल सिस्टम दैट डिस्टिंग्विशेस अ वाइटल एंड फंक्शनिंग बॉडी फ्रॉम अ डेड बॉडी. ठीक है ना? तो लाइफ एक्चुअली में क्या है, वो डिस्टिंग्विश करती है. एक लाइफ एक वो प्रॉपर्टी है, एक वो चीज़ है जो कि एक फंक्शनिंग बॉडी, यानी एक जीवित बॉडी को डेड बॉडी से अलग करती है. कुछ ऐसे सिस्टम्स हैं जो कि लाइफ क्या है, एक फिजिको केमिकल सिस्टम है, यानी कि जो केमिकली एज वेल एज फिजिकली स्ट्रक्चरली भी एक सिस्टम है, जो एक लिविंग बॉडी को, एक फंक्शनिंग बॉडी को एक डेड बॉडी से अलग करती है. और प्रॉपर्टी है ये, लिविंग ऑर्गेनिज्म की प्रॉपर्टी है लाइफ. लाइफ क्या है? सबसे अहम प्रॉपर्टी है, और ये डिस्टिंग्विश करती है फ्रॉम नॉन लिविंग थिंग्स. ओके, और जो कैरेक्टर्स हैं जिससे कि आप और हम पता कर सकते हैं कि एक लिविंग एक नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बीच का क्या अंतर है, तो ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज हैं, जिसमें इम्पॉर्टेंटली जो चीज़ें हैं वो मैंने आपको बता दी हैं. इसमें है मेटाबॉलिज्म, वी विल सी मेटाबॉलिज्म, देन देयर इज होमियोस्टेसिस, देन ग्रोथ, एडेप्टेशन एंड रिप्रोडक्शन. लेट मी टेल यू मेटाबॉलिज्म. मेटाबॉलिज्म जो बॉडी के अंदर, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बॉडी के अंदर जो सिंथेटिक या सिंथेसिस या ब्रेकडाउन का एक्शन रिएक्शन होता है, बहुत तरह के प्रोसेसेस बॉडी में होते हैं, जैसे कि डाइजेशन हो गया, पोषण हो गया, न्यूट्रिशन हो गया, रेस्पिरेशन हो गया, एक्सक्रीशन हो गया, रिप्रोडक्शन, आपके सर्कुलेशन, बहुत सारे तरह की एक्टिविटीज़ बॉडी के अंदर चलती हैं, वो आपके हैं मेटाबॉलिज्म. कमिंग ऑन टू होम्योस्टेसिस. होम्योस्टेसिस ये बहुत महत्वपूर्ण कैरेक्टर है एक लिविंग ऑर्गेनिज्म का. एंड होम्योस्टेसिस इज नथिंग बट इट इज़ the condition where a living cell, एक ऐसी condition है जिसमें एक cell जो है वो उसके chemical composition जो है उसके internal और external environment में balance बना के रखते हैं, वो एक तरह का condition है. इसको इस तरह से आप समझ सकते हैं कि अगर बाहर आपके body के बाहर अगर temperature कम है, तो ऐसा नहीं होता कि हमारे body के अंदर भी temperature कम हो जाता है. No, वो एक बैलेंस बना के चलता है, क्योंकि वो एक स्टेडी टेम्परेचर या एक स्टेडी, एक स्टेबल एनवायरनमेंट रखता है इंटरनली बॉडी के अंदर,
जिससे कि जो रिएक्शंस हैं, जो बॉडी के अंदर जो भी फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस चल रहे होते हैं, जो उसके लिए कंडीशंस रिक्वायर्ड है, वो हर एक्सटर्नल कंडीशन से वो स्टेबल होती है. वो किसी भी वेदर में, किसी भी क्लाइमेटिक कंडीशन में वो स्टेबिलिटी होती है, और इसी की वजह से सेल जो है वो सारे वाइटल फंक्शंस को परफॉर्म करने में सक्षम होते हैं. तो बहुत महत्वपूर्ण प्रॉपर्टी है ये, कैरेक्टर है ये एक लिविंग ऑर्गेनिज्म का. देन कमिंग ऑन टू ग्रोथ, यू कैन सी ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स दे शो ग्रोथ. ग्रोथ नज़र आती है, एक छोटे से बड़ा होना, उनमें नंबर ऑफ सेल्स का ग्रो होना या साइज ग्रो होना, वो आप देखते हैं कि कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म, चाहे वो पौधा हो, एक जानवर, इंसान हो, उनमें ग्रोथ नज़र आती है. वो एक छोटे से बड़े की एक लिमिट, एक लेवल तक ग्रोथ होती है. कमिंग ऑन टू अडेप्टेशन, अडेप्टेशन इज ऑल्सो कैरेक्टर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, जो अपने इर्द गिर्द के एनवायरमेंट के हिसाब से खुद को ढाल लेना, उसमें खुद को अडेप्ट कर लेना, दैट इज अडेप्टेशन. अडेप्टेशन इज लिविंग थिंग्स, दे कैन ग्रो, दे डेवलप एंड दे अडेप्ट, दैट इज दे अडेप्ट टू एनवायरमेंटल चेंजेस. जो भी चेंजेस होते हैं एनवायरमेंट में, उसके हिसाब से वो अपने आप को अडेप्ट भी करते हैं. तो दैट इज योर नेक्स्ट प्रॉपर्टी. एंड देन रिप्रोडक्शन, ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स दे रिप्रोड्यूस. नॉन लिविंग को कभी आपने रिप्रोड्यूस नहीं करते हुए देखा कि एक नॉन लिविंग थिंग है, लाइक चेयर हो गई, टेबल हो गया, पेन हो गया, पेपर हो गया, वो ये सारी प्रॉपर्टीज उनमें नज़र नहीं आती. दे वी नेवर सी मेटाबॉलिज्म, होम्योस्टेसिस, ग्रोथ, अडेप्टेशन और रिप्रोडक्शन इन दैट. सो दिस इज द बेसिक कैरेक्टर ऑफ लिविंग. दीज सम ऑफ दीज आर द बेसिक कैरेक्टर्स of living organisms, and they help in distinguishing a living organism from a non-living thing. And biologically we say living things, they are termed as organisms. Jitne bhi living things hain unko hum organisms kehte hain. So this is the introductory part, very basic thing. We have started with the chapter life, and life is nothing but a physico-chemical system, and it distinguishes from a living organ, distinguishes a living organism from a dead body or dead organism, dead thing, non-living thing. And the characters of living things are metabolism, homeostasis, growth, adaptation and reproduction. Coming on to the next part. Now, when we have come to know that living things are the organisms having all those basic properties, so the question arises, what are living things made up of them? किस चीज़ के बने होते हैं living things? ऐसी क्या खास चीज़ है जो living thing को वो सारी properties दे रही है, जो living thing को living बना रही है? So, the basic thing, the living things are made up of discrete units, very small units called a cell. And this cell, एक छोटा structure होता है हर एक living organism की body में, चाहे एक हो चाहे बहुत सारे हों. ये basic structure होता है, एक basic designing होती है, unit होती है living thing के body में, जिसको हम कहते हैं cell. और ये सेल एक लैटिन वर्ड से डेराइव्ड है, जिसका मतलब होता है लिटिल रूम, छोटा कमरा, ठीक है ना, वेरी लिटिल, वेरी स्मॉल. सो ऑल ऑर्गेनिजम्स दे आर कंपोज्ड ऑफ आइदर वन सेल और मोर सेल. अपने वर्क, अपने फंक्शन के हिसाब से उनके अंदर चाहे एक सेल होता है या फिर एक सेल से ज़्यादा सेल्स होते हैं. बहुत तरह के आपने अभी पढ़ा कि वेरीड हैं, डाइवर्सिफाइड थिंग्स आर देयर, ऑर्गेनिज्म ज़्यादा है, छोटे माइक्रोस्कोपिक से लेके मेगास्कोपिक है. तो ये माइक्रोस्कोपिक क्यों है? सिंगल सेल, बहुत छोटे सूक्ष्म सेल के बने होते हैं. मेगास्कोपिक क्यों हैं? इसलिए हैं, माइक्रोस्कोपिक इसलिए हैं कि वो बड़े सेल्स, ज़्यादा सेल्स के बने होते हैं, एक सिंगल छोटे सेल के नहीं बने होते, बहुत सारे सेल्स के बने होते हैं, इसलिए वो आपको एक बड़ी आकृति में नज़र आते हैं. सो ऑर्गेनिजम्स फॉर्म्ड ऑफ सिंगल सेल, they are known as
यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, जो सिंगल सेल के बने होते हैं उनको हम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स कहते हैं, और जो बहुत सारे सेल्स के बने होते हैं, जिनकी बॉडी बहुत सारे सेल्स की बनी होती है, वो ऑर्गेनिजम्स को हम मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स कहते हैं। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में आपको अमीबा है, बैक्टीरिया है, ये सारे ऑर्गेनिजम्स, इनकी पूरी बॉडी जो है एक ही सेल की बनी होती है, और जो बेसिक फंक्शंस है बॉडी के अंदर के वो सारा एक ही सेल द्वारा परफॉर्म किया जाता है, इसीलिए हम इनको यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स कहते हैं। ठीक है, सो और वो ऑर्गेनिज्म जिनके अंदर बेसिक चीज़ें जो हैं वो कई चीज़ों से। सो स्टूडेंट्स, यू कैन, एज यू कैन सी हियर, दीज आर द यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, एग्जाम्पल्स आर गिवन हियर, अमीबा, पैरामीशियम एंड यूग्लिना। एज यू कैन सी दीज सेल्स, दे हैव सिंगल सेल, ये देखिए आप, इसमें सिंगल सेल है, एक ही, ये पूरी बॉडी है, ये पूरा ऑर्गेनिज्म है, दिस इज एंटायर ऑर्गेनिज्म, और इसके अंदर ये सेल्स के ऑर्गेनेलीज हैं जो वेरियस फंक्शंस बॉडी के परफॉर्म करते हैं। न्यूक्लियस है, देन यू कैन सी सीलिया है इसके अंदर, इसके अंदर फूड वैक्यूल्स हैं, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स आप यहाँ पे देख सकते हैं, दिस इज इन पैरामीशियम। देन कमिंग ऑन टू यूग्लिना, यू विल फाइंड न्यूक्लियस। सो दिस इज अ सिंगल एनिमल एंड इन दिस यू कैन फाइंड सिंगल ऑर्गेनिज्म, एंड यू कैन फाइंड दिस सिंगल ऑर्गेनिज्म इज, दिस ऑर्गेनिज्म इज मेड अप ऑफ अ सिंगल सेल, एंड दीज ऑर्गेनिजम्स आर इंक्लूडेड अंडर व्हाट यू से यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। और इनकी बॉडी के जितनी भी वाइटल फंक्शंस हैं, चाहे वो न्यूट्रिशन हो, चाहे वो डाइजेशन हो, चाहे वो एक्सक्रीशन हो, चाहे रिप्रोडक्शन हो, वो सारा कुछ ये सिंगल सेल के माध्यम से ही परफॉर्म होता है, एंड दैट्स व्हाई दे आर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। ओके, नाउ कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज ओके, यस वी वेर हियर। सो those organisms are known as unicellular organisms, where their single cell performs the entire functions of the body. Organism is made up of single cell. Then coming on to the next thing, that is multicellular organism. It is the organisms made up of many cells, not one cell. एक से ज़्यादा cell के बने होते हैं, उन organisms को हम multicellular organisms कहते हैं, और example man हो गया, plants हो गए, animals हो गए, हाँ ये देख सकते हैं कि इन सब की बॉडी जो है वो कई 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 सेल्स से बनी होती है। आप देख सकते हैं ह्यूमन बॉडी जो है वो 100 ट्रिलियन यानी 10^10^12 इतने सेल्स से बनी हुई है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ सेल्स बहुत ज़्यादा है, एक से ज़्यादा हैं, दो से ज़्यादा हैं, एंड दैट्स वाई द ऑर्गेनिजम्स उस बॉडी इज मेड अप ऑफ मोर देन वन सेल, they are included under multicellular organisms. Okay, so here we have come across the thing ki living, what is life, and life is made up, living organisms or living things are made up of what? They are made up of cells. Then coming on to why these living organisms, they need a cell, why a cell is needed? The answer is ki because the metabolic activities, the reactions in living organism can occur only in a balanced environment, and cells have such environment as cell maintains homeostasis. बताया था ना कि homeostasis बहुत महत्वपूर्ण, बहुत important property है एक living organism, और cell इसलिए चाहिए, एक living organism को living बनाता है, क्यों? क्योंकि इस living organism में जो metabolic activities होती हैं, जितनी भी फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज़ होती हैं, जितने भी एक्टिविटीज़ केमिकल एक्शन रिएक्शन बॉडी के अंदर होता है, वो लिविंग ऑर्गेनिज्म को, वो उसके लिए एक बैलेंस्ड एनवायरनमेंट चाहिए, हमेशा फ्लक्चुएटिंग एनवायरनमेंट नहीं चाहिए कि अभी थोड़ा सा टेम्परेचर डाउन हो गया, अभी टेम्परेचर ज़्यादा हो गया, अभी बॉडी के अंदर पानी कम हो गया, अभी पानी ज़्यादा हो गया, नहीं, हर तरह के एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को चेंज होने के बावजूद भी बॉडी के अंदर एक इस तरह की स्टेबिलिटी मेंटेन होनी चाहिए, तभी एक लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो सक्सेसफुली सर्वाइव कर सकता है, और लिविंग ऑर्गेनिज्म लिविंग हो सकता है, और उसके लिए वो एनवायरनमेंट, बैलेंस एनवायरनमेंट जो है वो सेल प्रोवाइड करता है,
क्यों? क्योंकि सेल क्या करता है, होम्योस्टेसिस यानी कि स्टेबल कंडीशन बॉडी के अंदर की वो मेंटेन रखता है. दैट्स व्हाई सेल इज नीडेड फॉर नीडेड इन अ लिविंग ऑर्गेनिज्म. ओके, सो होम्योस्टेसिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म. देन कमिंग ऑन टू नेक्स्ट पोर्शन, दैट इज व्हाट इज सेल. बच्चों ये बिल्कुल बेसिक चीज़ें हैं, आपके बुक में भी ये सारी चीज़ें मिलेंगी. आई एम एक्सप्लेनिंग यू सम ऑफ द बेसिक थिंग्स विच इज गोइंग टू हेल्प यू आउट इन वेरियस फर्दर स्टडीज. सो नाउ कमिंग ऑन टू सेल, क्या है ये सेल? अब हम ये जान गए लाइफ क्या है, लाइफ में लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, लाइफ जिनमें हैं उनको हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स कहते हैं, और लिविंग ऑर्गेनिजम्स की प्रॉपर्टीज़ हैं, उन प्रॉपर्टीज़ में भी होम्योस्टेसिस, और होम्योस्टेसिस कौन मेंटेन करता है? सेल. इसलिए लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए सेल का होना बहुत ज़रूरी है. लेकिन अब ये जानते हैं कि ये सेल होता क्या है एक्चुअली में, एक्चुअली क्या है. वी आर नाउ वी विल स्टडीज अबाउट सेल, कि व्हाट इज सेल एग्जैक्टली. सेल इज द फंडामेंटल स्ट्रक्चरल यूनिट एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ. इट इज़ द फंडामेंटल बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ फंडामेंटल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ. ये यूनिट ऑफ लाइफ इकाई है, ये लाइफ की इकाई है, सबसे छोटी जिसको आप उससे छोटा नहीं कर सकते, बेसिक यूनिट है ये. ठीक है, और इसको ऐसा क्यों कहा जाता है कि why it is fundamental and structural unit of life? Because a cell is capable of independent existence and can carry out all the functions which are necessary for a living being. यही वो पार्ट है, यही वो चीज़ है एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में, जो कि हर एक फंक्शन को, हर एक एक्टिविटी को इंडिपेंडेंटली वो कैरी फॉरवर्ड कर सकता है, कैपेबल है उसके, उसको आराम से वो लेके चल सकता है, जो कि एक लिविंग बींग के लिए नेसेसरी है. और ये कौन सी एक्टिविटीज़ हैं? सेल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कैरिंग आउट विच एक्टिविटीज़? दीज आर न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन एंड सो ऑन. Therefore, cell is called as the fundamental unit of life. समझ में आया बच्चों? क्यों fundamental unit of life है, या structural unit क्यों कहते हैं? Fundamental unit है कि जितनी भी बुनियादी चीज़ें हैं एक living being को living बनाने के लिए, वो activities जो हैं वो cell अकेले capable है, independently वो capable है कि उनको वो perform कर सके. As well as जो बॉडी का जो स्ट्रक्चर है, किसी भी एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के बॉडी के भी स्ट्रक्चर को डिज़ाइन, या उसको बेसिकली उसको बनाने में ढांचे को एक सेल ही रिस्पॉन्सिबल है. दैट्स वाई फंड इट इज़ नोन एज फंडामेंटल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ. अब जो स्टडी है, इसको साइंटिफिकली जो स्टडी किया जाता है सेल को, तो उसको साइटोलॉजी कहा जाता था. यहाँ पे केवल ये साइटोलॉजी वो स्टडी थी जिसमें कि केवल हम स्ट्रक्चर ऑफ सेल पढ़ते थे, कि सेल का क्या स्ट्रक्चर है. तो जहाँ पे वो स्टडी वहीं तक सीमित थी, इट इज़ कन्फाइंड टू ओनली स्ट्रक्चर ऑफ सेल, तो उसको हम कहते हैं साइटोलॉजी. इट इज़ नथिंग बट द स्टडी ऑफ सेल. और ये स्टडी कहाँ तक सीमित थी? केवल उसके स्ट्रक्चर को हमने पढ़ा. लेकिन बाद में ये साइटोलॉजी को रीनेम करके क्या बोला गया? सेल बायोलॉजी. क्यों? क्योंकि इस सेल बायोलॉजी में बहुत सारी चीज़ें कवर होने लगी. सेल बायोलॉजी में बहुत सारी चीज़ें कवर होने लगी कि इसमें सेल की स्ट्रक्चर के अलावा सेल की फिजियोलॉजी, फिजियोलॉजी यानी कि उसके अंदर किस तरह की एनर्जेटिक्स हैं, ग्रोथ है, उसके अंदर की बायोसिंथेसिस है, वो सारी चीज़ों को जिस स्टडी के तहत जाना जाता है, पढ़ा जाता है, या सेल का रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ना, या सेल की पूरी केमिस्ट्री के बारे में पढ़ना, यानी ये पूरा कंबाइंड एक स्टडी जो आ गई जिसने इन सारे पैरामीटर्स को कवर किया, उस स्टडी को कहते हैं सेल बायोलॉजी. तो ये दोनों में आप जान लीजिए कि क्या बेसिक डिफरेंस है. साइटोलॉजी इज़ ऑल्सो स्टडी ऑफ सेल एंड सेल बायोलॉजी इज़ ऑल्सो स्टडी ऑफ सेल, बट हियर वास्ट एरिया इज कवर्ड, एरिया ऑफ स्टडी इज कवर्ड, दैट इज़ फिजियोलॉजी, सेल रिप्रोडक्शन एंड सेल केमिस्ट्री. वेर साइटोलॉजी में केवल हम स्ट्रक्चरल पार्ट ऑफ सेल, यानी कि उसके स्ट्रक्चर से रिलेटेड स्टडी हम करते हैं. ओके, सो ओवरऑल वॉट वी कैन से इज सेल बायोलॉजी इज स्टडी ऑफ लाइफ, टोटल लाइफ. एक लाइफ की क्या चीज़ें होती हैं, क्या उसमें होना चाहिए, किस तरह का स्ट्रक्चर होना चाहिए, किस तरह के एक्ट उसके अंदर रिएक्शंस होते हैं, किस तरह से रिप्रोडक्शन होता है, वो एक स्टडी जो होती है, वो एक लाइफ को वो बनाता है, और उसकी स्टडी को हम कहते हैं
सेल बायोलॉजी. सो आई होप स्टूडेंट्स की हियर द कॉन्सेप्ट ऑफ सेल, व्हाट इज सेल एंड व्हाई इट इज नोन एज स्ट्रक्चरल फंडामेंटल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ. आई होप सो द कॉन्सेप्ट इज क्लियर. नाउ कमिंग ऑन टू द डिस्कवरी, हु डिस्कवर्ड एंड हाउ इट वॉज डिस्कवर्ड. तो द टर्म, सबसे पहले तो इस टर्म सेल को पहली बार इंट्रोड्यूस किया था इंग्लिश साइंटिस्ट ने, जिनका नाम है रॉबर्ट हुक. और इन्होंने बहुत बेसिक अपने एक माइक्रोस्कोप से किया था, प्रिमिटिव माइक्रोस्कोप से असेंबल करके किया था. और इस माइक्रोस्कोप की पावर जो थी, जो ओरिजिनल चीज़ जो देख रहे हैं उसके अंदर, जो ओरिजिनल ऑब्जेक्ट जो देख रहे हैं उसके अंदर, उसको मैग्नीफाई करता था. कितने टाइम्स? 14 to 42 टाइम्स मैग्नीफाई करके, मतलब उतने ज़्यादा टाइम्स बड़ा दिखाता था ये माइक्रोस्कोप. ये सबसे प्रिमिटिव माइक्रोस्कोप था जिसको रॉबर्ट हुक ने, जिसमें उन्होंने सेल को पहली बार देखा था. एंड इन ईयर ही 1665 ही एग्जामिन उन्होंने इस साल उन्होंने एक थिन स्लाइस लिया कॉर्क का. और कॉर्क क्या है? एक छोटा सूखा बार्क होता है और उसको उन्होंने कट करके थिन स्लाइसेस बनाई थी और उसको सेल्फ डिज़ाइन माइक्रोस्कोप में देखा था. अब ये सेल्फ डिज़ाइन, इस माइक्रोस्कोप का मैग्नीफिकेशन पावर कितना मैंने बताया? इट इज़ समवॉट 14 to 42 टाइम्स, ठीक है ना, 42 टाइम्स. जो ओरिजिनल ऑब्जेक्ट है उन ऑब्जेक्ट को ज़्यादा मैग्नीफाई करता है. तो कितने टाइम्स मैग्नीफाई करता है? उस ऑब्जेक्ट के साइज से 14 to 42 टाइम्स ज़्यादा बड़ा दिखाता है, ठीक है. और उनको उसमें क्या दिखा? उनको उसमें दिखा एक ऐसा स्ट्रक्चर जिसमें कि बिल्कुल हनीकॉम जैसा स्ट्रक्चर उनको नज़र आया. और उसको उन्होंने बोला लिटिल कंपार्टमेंट्स, और पहला नाम दिया था सेल्युली, जिसको आज हम सेल के नाम से जानते हैं. ओके एंड ये जो डिस्कवरी हुई उसके बाद बहुत सारे वर्कर्स ने काम किया. ऐसा नहीं है कि रॉबर्ट हुक के बाद से काम जो है ख़त्म हो गया और आज हम बहुत डिटेल्ड चीज़ जानते हैं सेल के बारे में. लेकिन ये अचानक से नहीं आया, इसके ऊपर बहुत सारे वर्कर्स ने काम किया. लेकिन शुरुआत जो हुई थी वो रॉबर्ट हुक से हुई थी. उन्होंने अपने माइक्रोस्कोप में उन्होंने पहली बार सेलुले यानी सेल्स को, सेल को देखा था, जो कि एक बिल्कुल हनीकॉम्ब जैसा, जो मधुमक्खी का जो छत्ता होता है उसके जो सेल्स होते हैं, ब्रूडिंग सेल्स होते हैं, उसके जो स्ट्रक्चर होता है बिल्कुल उसी तरह का वो स्ट्रक्चर उसमें नज़र आने लगा. इसके बाद बहुत सारे वर्कर्स ने वर्क किया इसके ऊपर. उसमें से थे एंटन वन लीवेनहॉक, और उसके बाद आप अल्फोंसो पोटी, इन्होंने भी काम किया. कहीं ना कहीं छोटी मोटी हर तरह की जो डिस्कवरीज़ हुई इसमें, जो चीज़ें देखी गई, फिर धीरे धीरे सेल के ऑर्गेनेलीज को स्टडी किया, सेल की ऑर्गेनेलीज को फिर डिस्कवर किया. उसमें रॉबर्ट ब्राउन जिन्होंने न्यूक्लियस को डिस्कवर किया उसमें, और उन्होंने ऑर्किड रूट सेल में उसको डिस्कवर किया था. देन जोहेनस पुरकिन जी हैं, इन्होंने प्रोटोप्लाज्म को डिफाइन किया, उसको देखा. तो ऐसे बहुत सारे साइंटिस्ट, ऐसे बहुत सारे वर्कर्स थे जिन्होंने काम किया. और सेल की आज जो हम आगे पढ़ेंगे, जो सेल का स्ट्रक्चर हम पढ़ेंगे, वो इन्हीं शोधों के ऊपर आधारित है. और आपको एक पूरा सेल का कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में क्लियर हो जाता है. ओके नाउ देवेर टू वर्कर्स, टू साइंटिस्ट, दैट इज एम जे स्क्लिडन एंड थियोडोर स्वान. ये दो साइंटिस्ट थे जिन्होंने एक थ्योरी पुट फॉरवर्ड की, एक प्रिंसिपल पुट फॉरवर्ड किया जिसको बोला जाता है सेल थ्योरी. एंड सेल थ्योरी इज़ वन ऑफ द मोस्ट फंडामेंटल जनरलाइजेशन ऑफ बायोलॉजी, ठीक है ना. सबसे फंडामेंटल चीज़ है कि बायोलॉजी एक लाइफ क्या है. और उसको एम जे स्क्लिडन, जो कि एक जर्मन बायोलॉजिस्ट थे, एंड थियोडोर स्वान, जो कि एक जर्मन जूलॉजिस्ट थे, इन्होंने 1839 में इस थ्योरी को पुट फॉरवर्ड किया. और ये थ्योरी बताती है क्या, इसके ये बहुत इंपॉर्टेंट तीन पोस्टुलेट्स हैं, इसको आप जानिए, स्टेटमेंट्स हैं सेल थ्योरी के, कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स दे आर कंपोज्ड ऑफ वन और मोर सेल्स. ये तो आप अभी पढ़ते ही हुए आ रहे हैं कि जितने भी जीवित ऑर्गेनिज्म है, जितने भी जीवित प्राणी, चाहे वो प्लांट हो, चाहे वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हो, चाहे वो मैक्रो ऑर्गेनिजम्स हो, चाहे वो एनिमल्स हो, ह्यूमन बींग्स हो, वो किसके बने हैं?
या एक से ज़्यादा सेल्स से बने हैं. क्यों? क्योंकि ये बेसिक यूनिट है. एंड द सेल इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ स्ट्रक्चर. इट इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ स्ट्रक्चर, फंक्शन एंड ऑर्गेनाइजेशन इन ऑल ऑर्गेनिजम्स. यही बेसिक यूनिट है, ये सबसे छोटी इकाई है. यही स्ट्रक्चर भी डिफाइन करता है एक लिविंग ऑर्गेनिज्म का. यही रिस्पॉन्सिबल है सारे फंक्शंस, जो फिजियोलॉजिकल फंक्शंस या जो केमिकल एक्शन रिएक्शन होता है बॉडी में, या जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं बॉडी के अंदर, ये सब के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? सेल है. एंड दैट्स वाई सेल इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ स्ट्रक्चर, फंक्शन एंड ऑर्गेनाइजेशन. देन ऑल सेल्स कम फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग लिविंग सेल्स. यानी कि नया सेल जो बनता है या कोई भी नया ऑर्गेनिज्म डेवलप हो रहा है, वो किससे पैदा हो रहा है? जो पहले सेल था उससे नया सेल बन रहा है. यानी प्री एग्जिस्टिंग, पहले जो एग्जिस्ट कर रहा है उसी से एक नया सेल डेवलप हो रहा है, कहीं दूसरी जगह से नहीं, प्री एग्जिस्टिंग से ही एक नया सेल आ रहा है. ठीक है, तो ये थ्योरी जो थी, ये थ्योरी इन वर्कर्स ने, इन साइंटिस्ट ने बनाई, पोस्टुलेट्स बनाए इस थ्योरी को. ये स्टेटमेंट्स उन्होंने इन स्टेटमेंट्स के थ्रू उन्होंने लाइफ को जनरलाइज, एक फंडामेंटल स्टेटमेंट उन्होंने दिया. ठीक है, देन कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज सेल साइज, शेप एंड नंबर. ओके, हियर स्टूडेंट्स, नंबर स्पेलिंग इज रॉन्ग, NUM. ओके, सो करेक्ट इट, नंबर. तो सेल्स जो हैं, अभी आपने पढ़ा कि डाइवर्सिफाइड हम देखते हैं ऑर्गेनिजम्स के ऊपर, इस ग्लोब में हम डाइवर्सिफाइड ऑर्गेनिजम्स होते हैं. डाइवर्सिटी कहाँ से आती है? डाइवर्सिटी उनके सेल के साइज से आती है, डाइवर्सिटी शेप से आती है, और डाइवर्सिटी कितने नंबर हैं वो बॉडी के अंदर, उससे डाइवर्सिटी, इसीलिए डाइवर्सिफाइड ग्रुप बनता है ना. तो सबसे पहले जब हम शेप देखते हैं सेल का, तो देर इज वेरी मच वेरिएशन इन साइज, शेप एंड नंबर ऑफ सेल्स इन डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स है ना. हर ऑर्गेनिज्म का एक भिन्न आकार, प्रकार, उसका साइज, वो सब एक दूसरे से अलग है. अलग अलग कैटेगरी, अलग अलग कैटेगरी के एनिमल्स हैं तो, या ऑर्गेनिजम्स हैं, तो उनमें वेरिएशन है. साइज में भी वेरिएशन है, आप देखेंगे उनके नंबर शेप में भी वेरिएशन है. और अभी आपने देखा यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में ही आपने देखा, अमीबा को देख लिया, पैरामिशियम को देख लिया, युग्लिना को देख लिया. इसमें आप देखेंगे कि सब तीनों में आपने है तो यूनिसेलुलर, लेकिन फिर भी उनके साइज और शेप में बहुत फ़र्क है. उसी तरह से मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में भी ये देखिए, आपके पास बहुत सारे यहाँ पे दिख रहे हैं फिगर्स जिसको आप देख सकते हैं, जिसमें ये डिफरेंट शेप्स भी हैं, डिफरेंट साइजेस भी हैं, कोई बड़े हैं, कोई छोटे हैं, कोई बहुत छोटे हैं, तो कोई बहुत बड़े हैं. तो इस तरह से हर तरह का साइज, शेप और नंबर जो है वैरायटी बनाता है ऑर्गेनिजम्स में. कुछ सेल्स जो हैं कुछ बहुत फ्यू माइक्रोमीटर्स डायमीटर में हैं, और कुछ विजिबल हैं, बहुत बड़े हैं, मेगास्कोपिक हैं, और कुछ जो हैं माइक्रोस्कोपिक हैं. ठीक है, अच्छा, इसके अलावा, साइज के अलावा, शेप्स में भी बहुत तरह के शेप्स हैं. आप देख लीजिए कि स्फेरिकल भी आपको नज़र आ रहे हैं, देन आपको कुछ स्पिंडल शेप भी नज़र आ रहे हैं, देन आप इलोंगेटेड सेल्स भी नज़र आ रहे हैं, आपको कुछ इररेगुलर शेप्स हैं. तो बहुत तरह के शेप्स आपको नज़र आते हैं, और ये शेप्स जो हैं ये डिटरमाइन करते हैं कि वो किस तरह का फंक्शन वो परफॉर्म कर रहे हैं उस लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बॉडी में. ओके, देन द नंबर ऑफ सेल्स इज रिलेटेड टू द साइज ऑफ द ऑर्गेन ऑफ द बॉडी. जो भी साइज है, छोटा साइज है तो उसमें सेल कम होंगे, बड़ा साइज है तो उसमें सेल्स की मात्रा जो होगी वो ज़्यादा होगी. सो दस स्मॉल ऑर्गेनिजम्स हैव लिमिटेड नंबर ऑफ सेल्स, वाई लार्जर वंस हैव, जैसे एलिफेंट हो गया, व्हेल हो गया, बड़ी बनियन ट्री हो गई, तो उनमें काउंटलेस हैं, उनके नंबर ऑफ सेल्स जो हैं वो आप अनगिनत हैं, आप उनको गिन नहीं सकते. तो इस तरह से सेल की शेप, साइज और नंबर जो है वो एक ऑर्गेनिज्म को वैरायटी में लेकर आती है, और एक डिफरेंट ऑर्गेनिज्म फॉर्म करती है, एक दूसरे से भिन्न बनाती है. ठीक है, और ये सारी चीज़ें उस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म के रिक्वायरमेंट, उसके स्पेसिफिक फंक्शंस या उसके स्पेसिफिक एनवायरमेंट के हिसाब से वो डिज़ाइन होते हैं, डिज़ाइंड होती है उनकी बॉडी. ओके, सो स्टूडेंट्स, दिस वॉज द बेसिक, वेरी वेरी बेसिक थिंग ऑन सेल. इन नेक्स्ट क्लास और इन नेक्स्ट वीडियो वी विल स्टार्ट विद द स्ट्रक्चर ऑफ द सेल एंड वी विल सी द डिटेल्ड स्टडी. बट बिफोर दैट, हियर इज सम कॉन्सेप्ट्स, यू कैन गो थ्रू इट.
what is the difference between unicellular and acellular organisms? So unicellular organisms, अभी आपने पढ़ा, these are the organisms जो containing only one cell, like bacteria, protozoan. और इन सेल्स में सेल वॉल या सेल ऑर्गेनेलीज आपको नज़र आता है. अभी मैंने बताया न्यूक्लियस, उसमें दिखा आपको कुछ और भी इंटरनल स्ट्रक्चर्स हैं जो हम आगे पढ़ेंगे. तो उन ऑर्गेनिजम्स के अंदर, एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के अंदर ये सारी चीज़ें विकसित होती हैं, दिखती हैं. लेकिन ए सेलुलर ऑर्गेनिजम्स क्या हैं? दोज विच डजंट पजेस एनी सेल, ए सेलुलर, ए विदाउट सेल, ओके. एंड दैट इज दे कंटेन any cell wall, they doesn't contain any cell wall and cell organelle. इनके अंदर कोई cell wall, कोई भी cellular organelle इस तरह का नहीं होता है. और वो completely किसके ऊपर dependent होते हैं? Host के ऊपर dependent होते हैं, किसी एक दूसरे organism के ऊपर dependent होते हैं अपने reproduction के लिए. Example आप देख सकते हैं virus या अकेले या अपने आप में ये इंडिपेंडेंट नहीं है. अभी आपने सेल के बारे में पढ़ा ना, सेल क्या है जो लाइफ को डिफाइन करता है? सेल क्या है? सेल रिस्पॉन्सिबल है, इंडिपेंडेंट है, वो इंडिपेंडेंटली सारे फंक्शंस को अंजाम देता है, उसको हम सेल कहते हैं, चाहे वो यूनि हो चाहे वो मल्टी हो. लेकिन ए सेलुलर ऑर्गेनिजम्स वो हैं जो कि जिनके अंदर में इस तरह का कोई भी प्रॉपर्टी, इस तरह की कोई भी चीज़ नहीं दिखती, और वो टोटली डिपेंडेंट होते हैं ऑन होस्ट फॉर रिप्रोडक्शन. सो स्टूडेंट्स, this was the very basic video I made on the very basic things about cell, cell theory and life. Hope you liked it and you go through it, and thanks for watching.